बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द नंबर 23। ये एक सस्पेंस थ्रिलर है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे नंबर 23 ने एक इंसान की पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। ये कहानी है वॉल्टर स्पैरो की, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल कंट्रोल में काम करता है। हर रोज 5 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, और आज जब 5:01 होते हैं तो उसे उस लेडी का कॉल आता है जो उसे जानवरों की लीड देती है, और इनका फ्रीक्वेंसी नंबर 23 होता है। वो उसे बोलते कि एक जानवर की हमें खबर मिली, तुम उसे पकड़ने जाओ, और स्पैरो उसे पकड़ने के लिए जाता है। ये कुत्ता होता है और स्पैरो उसे पकड़ लेता है। स्पैरो देखता है कि उस कुत्ते के गले में पट्टे पर एक बिल्ला लगा होता है, उसमें लिखा होता है नेड NED, और उसे देखने के बाद स्पैरो कहीं खो जाता है, और तभी वो कुत्ता मौका देखकर उसे काट कर वहां से भाग जाता है, और वो भागकर एक कब्रिस्तान में जाता है और एक कब्र के आगे बैठ जाता है, और स्पैरो उस पर दूर से निशाना लगाता है, लेकिन वो कुत्ता वहां से कहीं गायब हो जाता है। और जब स्पैरो कब्र के पास जाता है तो वो देखता है कि उस कब्र में नाम लिखा होता है लॉरा टॉलिंस। उस नाम को देखकर स्पैरो कहीं खो जाता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ याद आ रहा है, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद वॉल्टर स्पैरो अपनी पत्नी के पास जाता है, जिसका नाम एगथा है। दरअसल आज स्पैरो का बर्थडे है और उसकी वाइफ उसका वेट कर रही होती, लेकिन वो इस कुत्ते की वजह से लेट हो जाता है। वहीं उसकी पत्नी उसका इंतजार करते करते एक बुक स्टोर में चली जाती है। वहां पर एक किताब होती है जिसका नाम होता है द नंबर 23। इस किताब को एगथा ने पढ़ा होता है और वो इसे अपने पति को बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए खरीद लेती है। इस किताब के राइटर का नाम होता है टॉप सीक्रेट्स, और अब ये किताब वॉल्टर स्पैरो के पास है। वो इसे पढ़ना शुरू करता है और इस किताब के पहले पेज पर लिखा होता है कि इस किताब के सभी कैरेक्टर्स फिक्शनल हैं, लेकिन अगर आप इस किताब के किसी भी मिलते जुलते कैरेक्टर को जानते हैं तो आप इस किताब को ना पढ़ें। वॉल्टर स्पैरो इसे पढ़ना शुरू करता है क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई अपना रिश्तेदार नहीं होता। उसकी एक पत्नी है और उसका एक बेटा है। इसके अलावा ना उसका कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना माँ बाप, और उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बहुत कुछ याद भी नहीं होता। इस किताब के पहले चैप्टर में इस किताब का जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि आप मुझे फिंगरलिंग कह सकते हो, ये मेरा असली नाम नहीं है। बचपन में मैंने किताब पढ़ी थी जिसका नाम था फिंगरलिंग एट द जू, उसी से मैंने अपना नाम फिंगरलिंग रख लिया। कहानी बचपन से शुरू होती है जहाँ पर यह दिखाया जाता है कि फिंगरलिंग के पिता एक अकाउंटेंट होते हैं। उनकी पूरी जिंदगी नंबरों के साथ ही गुजरी होती है और वो ये चाहते थे कि फिंगरलिंग भी एक अकाउंटेंट बने, लेकिन फिंगरलिंग को जासूसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उसने ये तय किया कि वो एक जासूस बनेगा। इनके पड़ोस में एक लेडी रहती थी जिसका नाम डॉपकिंस था। उसका एक कुत्ता भी था जो हमेशा फिंगरलिंग के लॉन पर खेलता, लेकिन फिंगरलिंग कभी भी डॉपकिंस के घर की तरफ उसके घर के अंदर नहीं गया था क्योंकि उसके पिता ने मना किया होता है। और जब उसका 8वां बर्थडे होता है तो वो डॉपकिंस के कुत्ते के पीछे उसके घर तक चले जाता है, और जब वो कमरे में जाता है तो वो देखता है कि डॉपकिंस मरी हुई है। हालांकि पुलिस बोलती है कि ये आत्महत्या है, लेकिन फिंगरलिंग समझता है कि उसका किसी ने कत्ल किया है, और अब वो एक डिटेक्टिव की तरह सबसे अलग सोचना शुरू कर देता है, और इस तरह से फिंगरलिंग के दिमाग में एक डिटेक्टिव पैदा हो जाता है। वॉल्टर स्पैरो इस किताब के 2 चैप्टर्स पढ़ चुका है, तभी उसकी पत्नी वहां पर आ जाती है और वो उसे बताता है कि इस किताब को पढ़ के मुझे अपने बचपन की याद आती है, ऐसा लगता है कि मेरी कहानी मेरे बारे में लिखा हुआ है। उसकी पत्नी एगथा बोलती है कि फिंगरलिंग तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। वॉल्टर स्पैरो बोलता है कि ये देखो फिंगरलिंग एट द जू, ये किताब ये कहानी बचपन में मेरी माँ मुझे सुनाती थी, और इस किताब में जो कैरेक्टर है जिसका नाम फिंगरलिंग है उसकी माँ भी बचपन में उसे यही कहानियां सुनाती थी। एगथा बोलती है कि बचपन में ये कहानियां तो पता नहीं कितने बच्चों ने पढ़ी होंगी। वॉल्टर स्पैरो बोलता है कि इस कहानी में जो कुत्ता है ऐसे कुत्ता हमारे पड़ोस में भी था, हालांकि उसका नाम कुछ और था। और जिस तरह से फिंगरलिंग इस किताब में जासूसी किताबें पढ़ता है, बचपन में मैं भी जासूसी किताबें पढ़ता था, और जिस तरह से फिंगरलिंग के 8वें बर्थडे पर उसकी पड़ोसन डॉपकिंस का मर्डर होता है, ठीक उसी तरह से मेरी मॉम भी मेरे 8वें बर्थडे पर इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। एगथा बोलती है कि तुम किताब आगे पढ़ो और तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि फिंगरलिंग तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वॉल्टर चाहकर भी अपनी पत्नी एगथा की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये उसकी कहानी है। वो धीरे धीरे किताब पढ़ता है और उसका विश्वास और बढ़ता जाता है, और वो उस किताब के कैरेक्टर में अपने आप को देखना शुरू कर देता है। अब वो किताब का चैप्टर 5 पढ़ता है
चैप्टर 5 में फिंगरलिंग एक घर पर जाता है जहां पर एक लड़की होती है जिसका नाम ब्लॉन्ड होता है। वो आत्महत्या करने वाली होती है। फिंगरलिंग उससे उसकी आत्महत्या का कारण पूछता है, वो जिस वजह से इस लड़की का पूरा परिवार खत्म हो जाता है। इस लड़की को विश्वास है कि नंबर 23 की वजह से ऐसा हुआ है। हर जगह वो उसका पीछा करता है। फिंगरलिन उसे समझाता है, लेकिन जब फिंगरलिन यहाँ से निकलता है तो वो लड़की ऊपर से कूद जाती है। दरअसल इस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी को नंबर 23 से जोड़ दिया होता है, जो हर जगह उसको दिखाई देता है। और फिंगरलिंग देखता है कि उसके नाम में जो वर्ड्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन भी 23 होती है। अब वाल्टर स्पैरो किताब की दुनिया से बाहर आता है और तभी वो देखता है कि दो लड़के जॉगिंग करते हुए जा रहे होते हैं और उसे उनकी टी शर्ट में 23 नंबर दिखाई देता है। वाल्टर को ऐसा लगता है कि ये कहानी उसकी जिंदगी की कहानी है और वो उस बुक स्टोर में जाता है जहां से उसकी पत्नी एगथा ने इस किताब को खरीदा होता है। वहां बुक स्टोर वाला उसे बताता है कि इस राइटर ने सिर्फ ये एक ही किताब लिखी है और उसने इसे खुद ही पब्लिश किया है, उसकी और कोई भी किताब नहीं है। वाल्टर स्पैरो घर आता है और वो अपनी पत्नी और अपने बेटे को बताता है कि एक अजीब सी बात है कि मेरी हर चीज में 23 है। मेरा मिडिल नेम का कैलकुलेशन 23 है, मेरा बर्थ डेट भी 23 है यानी कि 23, और जब मैं पैदा हुआ था उस टाइम 11:12 हो रहे थे, यानी कि शुरू का 1 और 1 बन जाता है 2 और आखिरी का 1 और 2 बन जाते हैं 3, इसका मतलब 23। इसके अलावा मेरी लाइसेंस प्लेट, मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर, सब कुछ 23 है। ये राइटर मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसा लगता है कि उसने मेरे बारे में सब कुछ इस किताब में लिख दिया है। मेरी पूरी जिंदगी है इस किताब में। एगथा उसे बताती है कि आगे चलकर फिंगरलिंग किसी का कत्ल करता है। क्या तुमने अपनी जिंदगी में किसी का कत्ल किया है? एगथा उसे ये इसलिए बता पाती है क्योंकि उसने इस किताब को काफी हद तक पढ़ा होता है। लेकिन वाल्टर स्पैरो उसकी किसी बात पर भी विश्वास नहीं करना चाहता। वो एगथा को बोलता है कि जब मैं तुमसे मिला मैं 23 का था और हम मिले थे 14 सितंबर को, 14 + 9 = 23, और 13 अक्टूबर को हमारी शादी हुई थी, 13 + 10 = 23, और जो लड़की इस किताब में मरी थी उसने कहा था कि ये नंबर हर जगह है और वो इसी नंबर की वजह से मर रही है। और जब उसने ये बात फिंगरलिंग को बताई थी उस वक्त फिंगरलिंग 32 साल का था, जिसे रिवर्स कर दो तो बन जाता है 23। इतनी सारी बातें बताने के बाद वाल्टर स्पैरो का बेटा भी उस पर यकीन करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो किताब को आगे पढ़ना शुरू करता है और उसमें ये लिखा होता है कि धीरे धीरे फिंगरलिंग के ऊपर भी 23 नंबर हावी होना शुरू हो जाता है। उसे हर जगह 23 का कैलकुलेशन दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि फिंगरलिंग की जो गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम फेवरीजिया होता है, उसके पास 23 पेयर्स ऑफ सैंडल्स होते हैं। फिंगरलिंग का पीछा 23 नंबर कर रहा है। वो इन बातों से परेशान हो जाता है और एक साइकाइट्रिस्ट से मिलता है। वो साइकाइट्रिस्ट उसे कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहता है। वही हकीकत की दुनिया में वाल्टर स्पैरो जब अपनी पत्नी की सैंडल्स गिनता है तो उसकी पत्नी के पास भी 23 पेयर्स ऑफ सैंडल होते हैं। एगथा देखती है कि वाल्टर स्पैरो की दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है। वो उस 23 के पीछे पागल होता जा रहा है, इसीलिए वो उसे अपने दोस्त से मिलवाती है जो कि एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर होता है, और वो उसे 23 के बारे में और भी बहुत सारी बातें बताता है। वो कहता है कि तुम इस किताब को खत्म करो और उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि ये किताब तुम्हारे ऊपर लिखी गई है तो इसका राइटर वाकई तुम्हें जानता है। वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी एगथा से बात करूंगा, लेकिन जब वाल्टर स्पैरो अपनी पत्नी एगथा को और उसके दोस्त को जो कि डॉक्टर है उन दोनों को आपस में बातें करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में शक पैदा होना शुरू हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता है। और रात को 11:11 पर उसकी नींद खुलती है। इसके बाद वो उठता है और अपनी पत्नी का मर्डर कर देता है, लेकिन ये एक सपना होता है। उसकी नींद खुलती है और जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो घड़ी में 11:11 हो रहे होते हैं, और जो सपना उसने देखा होता है वो इसी के बाद के वक्त का होता है। इस बात से वाल्टर स्पैरो डर जाता है। वो अपनी पत्नी एगथा के नाम पर एक लेटर लिखता है और वहां से पासी के होटल में रहने के लिए चला जाता है। और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्यार करता है। लेटर में वो ये लिखता है कि मुझे एक रात के लिए सोचने का वक्त दे दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब वाल्टर स्पैरो होटल पहुंचता है। होटल वाला उसे 27 नंबर कमरा दे रहा होता है, लेकिन वो कहता है मुझे 23 नंबर कमरा दे दो। हालांकि इस कमरे में पानी का लीकेज का कुछ प्रॉब्लम होता है, फिर भी वाल्टर स्पैरो उस कमरे को ले लेता है क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो इस गुत्थी को सुलझाना चाहता है। अब वाल्टर स्पैरो इस किताब का 22वां चैप्टर पढ़ना शुरू करता है।
जिसमें ये लिखा होता है कि फिंगर लिंक का जो साइकाइट्रिस्ट है उसके बीच में और फिंगर लिंक की गर्लफ्रेंड फैब्रिजिया के बीच में संबंध है, जिसके चलते फिंगर लिंक अपनी गर्लफ्रेंड फैब्रिजिया का कत्ल कर देता है। और जब वो डॉक्टर वो साइकाइट्रिस्ट फैब्रिजिया से मिलने के लिए आता है तो वो देखता है कि उसके घर पर एक चाकू पड़ा होता है, वो चाकू को उठा लेता है। और जब वो उसके बेड पर जाता है तो वो देखता है कि फैब्रिजिया का किसी ने कत्ल कर दिया है। इसके बाद पुलिस वहां पर आती है और वो उस डॉक्टर को अरेस्ट कर लेती है। फिंगर लिंक वहां से एक होटल के कमरे में भाग जाता है। वो पूरी तरह से परेशान है और इसके बाद वो खिड़की खोलकर उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, जैसे कि वो आत्महत्या करने वाला है। और इसके आगे किताब खत्म हो जाती है, यानी कि इसके आगे राइटर ने कुछ भी नहीं लिखा होता, उसने सिर्फ 22 ही चैप्टर लिखे होते हैं, इसका 23वां चैप्टर नहीं होता। और इस बात से वाल्टर स्पैरो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि उस नंबर ने फिंगर लिंक का पीछा किया और अब वो नंबर मेरे पीछे है। दरअसल वो किताब की कैरेक्टर जो फिंगर लिंक की गर्लफ्रेंड होती है, जिसका नाम फैब्रिजिया होता है, उसे कहीं ना कहीं अपनी पत्नी एगाथा के रूप में देख रहा होता है। और जो फिंगर लिंक का साइकाइट्रिस्ट होता है, जिसे पुलिस पकड़ लेती है, वो उस कैरेक्टर को अपनी पत्नी के दोस्त और साइकोलॉजी के प्रोफेसर से मिला रहा होता है। और जिस तरह से फिंगर लिंक की पूरी जिंदगी नंबर 23 ने बर्बाद कर दी, उसे लगता है कि अब वो नंबर मेरे पीछे है। यहाँ पर वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो होटल की खिड़की से बाहर देखता है और वो देखता है कि वहां पर वही कुत्ता है जिसने उसके हाथ पर काटा था, जिसके गले पर नेड लिखा हुआ है, और वो उसका पीछा करना शुरू करता है। वो कहता है कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। और वो कुत्ता दोबारा से कब्रिस्तान में चला जाता है और उसी कब्र के सामने बैठ जाता है जहां पर वो पिछली बार बैठा था। वाल्टर स्पैरो उसे गोली मारकर बेहोश कर देता है और वो कहता है कि तुम इतने भी खतरनाक नहीं हो नेस्टी इविल डेड। वो नेड को दरअसल नेस्टी इविल डेड बोलता है। और जब वो नेड के नंबर्स काउंट करता है तो उसका टोटल 23 होता है। एन दरअसल एबीसीडी में 14 नंबर पर आता है, ई आता है 5 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर, और ये सब मिलकर बनता है 23। इस बात से वो शॉक्ड हो जाता है और तभी वहां पर फादर आते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने इसे क्यों मारा। वो बताता है कि मैंने इसे मारा नहीं, मैं एक एनिमल कंट्रोलर हूं, मैंने सिर्फ इसे बेहोश किया है। फादर उसे बताते हैं कि ये हमेशा यहीं पर रहता है, ये कहां से आया हमें कुछ पता नहीं है, और इसके गले में जो नेड का पट्टा है ये पहले से इसके गले में था, और हम इसे मुर्दों का मुहाफिज कहते हैं क्योंकि ये हमेशा इन कब्रों के आसपास रहता है। अब वाल्टर स्पैरो की नजर उस कब्र पे जाती है जो उसके सामने होती है। उस पे लिखा होता है लॉरा टॉलिंस, और ये वही कब्र होती है जहां पर वो पिछली बार भी आया था, जिसे देखकर वो कुछ सोचने लग गया था। वो उस कब्र पे जब डेट ऑफ बर्थ देखता है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है 1968 और मौत का वक्त होता है 1991, यानी कि ये लड़की अपने 23वें जन्मदिन के दिन मरी थी। वो कहता है कि नामुमकिन है। फादर पूछते क्या हुआ। वो कहता है कि ये अपने 23वें जन्मदिन के दिन मरी थी। फादर बोलते हैं कि ये सिर्फ एक निशानी है, उसकी डेड बॉडी कभी मिली नहीं। फादर के कहने का मतलब होता है कि ये सिर्फ निशानी के तौर पर बनाया गया है, और जिसकी निशानी के तौर पर ये बनाया गया है उसकी डेड बॉडी कभी मिली नहीं। अब वाल्टर स्पैरो लॉरा टॉलिंस जिसकी ये कब्र है उसके केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, और उसे न्यूज़पेपर में उसके मर्डर की न्यूज मिलती है, जिसमें ये लिखा होता है कि लॉरा टॉलिंस की डेड बॉडी कभी मिली नहीं, उसका बिस्तर पूरी तरह से खून में भीगा हुआ था, और उसका मर्डर किया था काइल फ्रिंच ने, जिसकी उंगलियों के निशान चाकू पर मिले थे, और काइल फ्रिंच उसका साइकोलॉजी का प्रोफेसर भी होता है। इन दोनों के बीच में प्यार होता है और साथ ही साथ शारीरिक संबंध भी होते हैं। अब जो लॉरा टॉलिंस है वो किताब की फैब्रिजिया बन गई, और न्यूज़पेपर में जो दूसरा नाम है काइल फ्रिंच जिसने मर्डर किया है वो बन गया टॉप सीक्रेट्स। टॉप सीक्रेट्स वो है जिसने ये बुक लिखी है, और बुक में अपना नाम लिखा है फिंगर लिंक, क्योंकि बुक में शुरू में ये बताया होता है कि ये मेरा असली नाम नहीं है। वाल्टर स्पैरो ये सब कुछ अपने परिवार को बता रहा होता है। वो कहता है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि इस किताब में उसने अपने गुनाहों को लिखा है। वाल्टर स्पैरो बोलता है कि आपकी जिंदगी में आपके नाम में जो ये 23 नंबर है इससे आपका क्या कनेक्शन है। वो कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कौन बता सकता है। और इसके बाद वो अपने पूरे परिवार के साथ काइल फ्लिंच से मिलने के लिए जेल में जाता है, जो उसके मुताबिक टॉप सीक्रेट्स है जिसने ये किताब लिखी है, जिसने फिंगर लिंक कैरेक्टर को लिखा है। और जेल में पहुंचने के बाद वाल्टर स्पैरो उससे बोलता है कि मुझे नंबर 23 के बारे में बताओ, तुमने उसे इसीलिए मारा था ना जो तुम्हारे साथ हो रहा था, अब वो मेरे साथ मेरी जिंदगी में हो रहा है। वो बोलता है कि मैंने लॉरा टॉलिंस को नहीं मारा था, मैं उसे प्यार करता था और मैंने कभी किसी किताब को नहीं लिखा, मैं उस जुर्म की सजा भुगत रहा हूँ जो मैंने कभी किया ही नहीं था।
वाल्टर उसकी बात पे यकीन कर लेता है क्योंकि उसके नाम का टोटल 23 नहीं बल्कि 17 होता है और इससे ये पता चलता है कि उसकी जिंदगी का 23 नंबर से कोई भी रिश्ता नहीं है और उसकी नजरों में इससे ये साबित होता है कि लॉरा टॉलिंस का खून उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया था और वो कोई वो है जिसने ये किताब लिखी है। अभी तक की कहानी से हमें ये समझ में आता है कि वाल्टर स्पैरो ने जो नंबर 23 किताब पढ़ी है उस किताब में जिस लड़की का मर्डर होता है वाल्टर स्पैरो के मुताबिक वो लड़की है जिसकी कब्र के आगे कुत्ता बैठता है जिसका नाम नेड है और उस लड़की का नाम है लॉरा टॉलिंस और लॉरा टॉलिंस का कत्ल किया है उस इंसान ने जिसने ये किताब लिखी है क्योंकि अगर उसने उसका कत्ल नहीं किया होता तो उसे इसकी कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अभी तक तो वो ये सोच रहा था कि जेल में जो काइल फिंच है वही वो आदमी है लेकिन अब उससे मिलने के बाद उसे यकीन हो चुका है कि वो इस किताब का राइटर नहीं है और वो किसी भी कीमत पर उस राइटर को ढूंढना चाहता है। यहाँ पर वाल्टर स्पैरो का बेटा बताता है कि मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूँ। वो बताता है कि कल रात को जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मुझे इस किताब में एक पीओ बॉक्स नंबर मिला यानी कि एक एड्रेस मिला और वो उस पीओ बॉक्स नंबर पर कुछ पार्सल्स भेजेगा और जो उन्हें कलेक्ट करने के लिए आएगा वो टॉप सीक्रेट्स होगा यानी कि बुक का राइटर होगा। वो उस पते पर 23 बॉक्सेस भिजवाता है और वहां पर एक आदमी उन्हें लेने के लिए आता है पर जैसे ही वो वाल्टर स्पैरो को देखता है तो उसे कुछ हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है और वाल्टर उसे पकड़ लेता है पर इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछता वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है। था वाल्टर और अपने बेटे को बोलती कि तुम दोनों यहां से जाओ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। उन दोनों को वहां से जाना पड़ता है। अब ये आदमी एगाथा को एक इंस्टीट्यूट का नाम बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है लेकिन उसकी जेब में एक आईडी कार्ड होता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये किस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा था और साथ ही इस आदमी के हाथों में कई नंबर्स लिखे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन 23 होती है। इस आदमी के मरने के बाद एगाथा उस जगह पर जाती है जिस इंस्टीट्यूट का कार्ड उसकी जेब में होता है। ये पूरी तरह से खंडर होता है और वो वहां पर एक रूम में जाती है जहां पर चारों तरफ नंबर्स लिखे होते हैं। वहां पर एक बॉक्स भी होता है जिसके बाहर लिखा होता है स्पैरो। वहीं दूसरी तरफ घर पर यह दिखाया जाता है कि वाल्टर स्पैरो उस किताब को जिसका नाम द नंबर 23 है उसके हर एक चैप्टर के 23वें पेज के 23वें वर्ड को एक अलग पेज पर लिखता है और वो एक मैसेज बन जाता है और ये मैसेज होता है कैसेनोवा पार्क जाओ जन्नत की सीढ़ी के नीचे खोदो मैं तुम्हें वार्न करता हूँ नर्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है स्पैरो मैन। अब ये दोनों कैसेनोवा पार्क जाते हैं और वहां पे स्टेप ऑफ हेवन यानी कि जन्नत की सीढ़ी नाम का एक पत्थर होता है उसके नीचे खोदना शुरू करते हैं और खोदने के बाद वहां पर इन्हें कंकाल दिखता है लेकिन यहाँ पर कोई और भी होता है जो इन्हें देख रहा होता है। अब ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं ताकि पुलिस को फोन करके यहाँ पर बुला सके और जब पुलिस इस जगह पर आती है तो उस गड्ढे में कोई कंकाल नहीं होता। वाल्टर स्पैरो उन्हें पूरी कहानी सुनाता है और पुलिस वाला उसे पागल समझता है। इसके बाद एगाथा वहां पर आ जाती है और वो अपने पति वाल्टर स्पैरो और अपने बेटे को वहां से लेकर निकल जाती है। ये दोनों बहुत परेशान होते हैं क्योंकि इन्होंने वहां पर वो कंकाल देखा था जो अब उस जगह पर नहीं है। ये बार बार 23 की बात कर रहे होते हैं। एगाथा इनको चुप होने के लिए कहती है और तभी वाल्टर स्पैरो देखता है कि सामने वही कुत्ता है जिसके गले में नेड वाला पट्टा होता है और वो पूरी स्पीड से उसकी तरफ गाड़ी भगाना शुरू कर देता है लेकिन नेड वहां से हिलता तक नहीं। लेकिन इससे पहले कि उसे टक्कर लगती वो गाड़ी रोक देता है लेकिन इसी दौरान एगाथा डर से वाल्टर का हाथ पकड़ लेती है और जब वाल्टर उसका हाथ देखता है तो उसके नाखूनों में उसके हाथ में मिट्टी होती है। उसे इस बात से शक होता है और जब ये घर पर पहुंचते हैं तो वाल्टर कहता है कि तुमने वहां से वो स्केलेटन उठाया था और तुम ही उस किताब की राइटर टॉप सीक्रेट हो। अब यहाँ पर वाल्टर को पिछली कुछ यादें भी आती है जहां पर एक बार एगाथा ने ये बोला होता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि राइटर एक मेल है वो फीमेल भी हो सकती है और जब एगाथा ने अपने दोस्त प्रोफेसर के पास वाल्टर को भेजा होता है तो उसने उसे ये भी कहा होता है कि जिसने ये किताब लिखी है वो वाकई तुम्हें जानता है और वही तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता है। वाल्टर को अब यहाँ पर पूरा यकीन हो जाता है कि इस किताब में उसके बारे में इतना सब कुछ सच इसलिए लिखा है क्योंकि ये उसकी पत्नी ने लिखी है। वो एगाथा को कहता है कि तुम ही उस किताब की राइटर टॉप सीक्रेट्स हो और तुम ही ने वहां से उस कंकाल को स्केलेटन को उठाया। शुरू में एगाथा मना करती है, वहां पर उसका बेटा भी आ जाता है लेकिन जब उसे वो ज्यादा फोर्स करता है वो कहती हाँ मैंने वहां से उस कंकाल को प्रोफेसर के साथ मिलकर उठाया था लेकिन ये किताब मैंने नहीं लिखी बल्कि ये किताब तुमने लिखी वाल्टर। वाल्टर एगाथा की बात पर विश्वास नहीं करता और तब वो उसे एक बॉक्स दिखाती है। ये वही बॉक्स होता है जो एगाथा को उस इंस्टीट्यूट में मिला था
जिस इंस्टीट्यूट का पता उसे उस आदमी की जेब में मिला था जिसने अपनी गर्दन काट ली थी। इस बॉक्स के बाहर स्पैरो लिखा होता है और इस बॉक्स से एगाथा एक बुक निकालती है और ये बुक द नंबर 23 बुक की ओरिजिनल कॉपी होती है और इस बुक के फ्रंट पेज पर वॉल्टर स्पैरो का नाम लिखा होता है। तभी वहां पर प्रोफेसर आइजैक भी आ जाता है। वॉल्टर बोलता है कि तुम दोनों की ये मिलीभगत है, तुम दोनों मुझे फंसाना चाहते हो। और इसके बाद एगाथा उसे और भी सामान दिखाती है। वॉल्टर स्पैरो उस पूरे सामान को निकालता है जिसमें कुछ मैगजीन्स भी होती हैं और उन सब को देखने के बाद उसे कुछ कुछ याद आता है, लेकिन उसे अभी भी ये लगता है कि उसे फंसाया जा रहा है और वो वहां से भाग जाता है और उसी होटल में जाता है जहां पर वो कुछ दिन पहले रुका था और वहां पर वो 23 रूम नंबर लेता है। और अब वॉल्टर स्पैरो को कुछ कुछ यादें आना शुरू हो जाती हैं और उसे याद आता है कि वो इस कमरे में पहले भी आ चुका है। और तभी वो दीवार से एक वॉलपेपर हटाता है और उस वॉलपेपर के पीछे लिखा होता है चैप्टर 23, यानी कि बुक में जो चैप्टर मिसिंग होता है वो चैप्टर यहाँ पे लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि तुम मुझे फिंगरलिंग कह सकते हो लेकिन मेरा असली नाम वॉल्टर स्पैरो है और अब तक जो तुमने पढ़ा है वो पूरा सच नहीं है, मैंने उसमें बहुत कुछ बदल दिया है और गुनहगार को भी। और इसके बाद वॉल्टर स्पैरो इसी नंबर के साथ बढ़ता रहा और जब वो कॉलेज गया तो उसे वहां पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है लॉरा टॉलिंस और इसके बाद इन दोनों के बीच में प्यार शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बाद लॉरा टॉलिंस की नजदीकियां अपने प्रोफेसर काइल फ्रिंच के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है और जब इस बात का शक वॉल्टर को होता है तो उसे दोबारा से नंबर 23 हर जगह दिखाई देने लगता है और उसे लगता है कि अब लॉरा टॉलिंस की जान खतरे में है। पर कुछ ही वक्त बाद लॉरा टॉलिंस उसे काइल फ्लिंच के लिए छोड़ देती है और इस बात से परेशान होकर जेलस होकर वो लॉरा टॉलरेंस को मार देता है कि जिस खतरे के बारे में उसे एहसास हुआ था वो खतरा कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। वॉल्टर स्पैरो को इस बात का दुख होता है, उसे गिल्ट होता है और अब वो लॉरा टॉलिंस की बॉडी को उठाकर कैसोनोवा पार्क ले जाता है और वहां पर जो द स्टेप्स टू द हेवन का बोर्ड होता है वो उसके नीचे उसे दफना देता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उसके सामने कुत्ता होता है और ये वही कुत्ता होता है जिसका नाम नेड है। वॉल्टर स्पैरो लॉरा को वहां पर दफनाने के बाद एक होटल में जाता है और ये वही होटल है जहां पर वो इस वक्त है। उसे रूम नंबर 23 दिया जाता है और वॉल्टर स्पैरो अब पूरी तरह से गिल्ट से भर चुका है और वो ये तय करता है कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेगा। पर इससे पहले वो एक नोट लिखता है। दरअसल उसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है और दिन रात लिखता चला जाता है। वो अपनी कहानी बचपन से शुरू करता है। ज्यादा लिखता है कि ये एक पूरी किताब बन जाती है। इसके 22 चैप्टर्स हैं और 23वां चैप्टर वो दीवार पर लिखता है, लेकिन वो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर देता है, जैसे किताब में बचपन में जो उसके पड़ोस में एक लेडी भरी होती है। दरअसल वॉल्टर की जिंदगी में असल में वो उसकी मॉम की खुद की कहानी होती है। इसके बाद किताब में जो दूसरी लड़की मरती है जिसका नाम ब्लॉन्ड होता है, दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि खुद वॉल्टर स्पैरो होता है जिसने नाम और जेंडर बदल दिया होता है। और तीसरी लड़की जो किताब में होती है वो होती है फैब्रिजिया जो कि लॉरा टॉलिंस है जिसे खुद वॉल्टर स्पैरो ने मारा है। और अब ये पूरा नोट लिखने के बाद जो अब एक किताब बन चुकी है, वॉल्टर ऊपर से नीचे कूद जाता है लेकिन वो इस अटेम्प्ट में बच जाता है, लेकिन उसे एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं एमनीजिया और इस बीमारी में इंसान अपनी याददाश्त भूल जाता है। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर उसका इलाज करता है ये वही आदमी होता है जिसने वॉल्टर को देखने के बाद अपने आप को मार दिया था। दरअसल इलाज के दौरान उसे वॉल्टर के वो नोट्स मिल गए थे जिसमें 23 की कैलकुलेशन थी और इसके बाद वो उसकी किताब को भी ढूंढ लेता है और वो 23 उसके दिमाग की बीमारी बन जाती है और जो अभिशाप पहले वॉल्टर स्पैरो का था अब उस डॉक्टर का बन जाता है। और डॉक्टर ही उस किताब में राइटर का नाम चेंज करता है, वो उसमें टॉप सीक्रेट्स लिख देता है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है वो 23 नंबर के पीछे पागल होना शुरू हो जाता है। वो किसी भी तरह से इस बुक के सभी रहस्यों को सुलझाना चाहता है और शायद कहीं ना कहीं उसे इन बुक के कुछ रहस्यों का पता चल चुका था जिससे उसे ऐसा लगता था कि ये सब वॉल्टर स्पैरो ने की और वो उससे डरने लग जाता है। और वो 23 बॉक्सेस को उस पोस्ट ऑफिस पर लेने इसलिए आता है क्योंकि अभी भी वो इस किताब के बहुत सारे रहस्यों को सुलझा नहीं पाया होता। उसे लगता है कि शायद उसे जो किताब में सवाल है उनके कुछ जवाब मिल जाए, लेकिन जब वो वहां पर वॉल्टर स्पैरो को देखता है तो वो डर जाता है और वहां पर वो एगाथा को बोलता भी है कि ये पागल है
वहीं हॉस्पिटल में पूरी तरह से ठीक होने के बाद वाल्टर स्पैरो बाहर निकलता है और वहां पर उसकी एगाथा से मुलाकात होती है। इसके बाद इन दोनों की शादी होती है। तो ये थी वो पूरी कहानी जो वाल्टर भूल चुका होता है, लेकिन अब उसे सब कुछ याद आ चुका है। और तभी वहां पर एगाथा आ जाती है। वो कहती है कि तुम एक बीमार इंसान थे जो अब ठीक हो चुका है। वाल्टर बोलता है कि मैंने लॉरा टॉलिंस को मार दिया और आज मेरी वजह से एक इंसान जो कि बेगुनाह है वो जेल में है। मैं एक कातिल हूँ और मैं ऐसा दोबारा भी कर सकता हूँ। उसकी पत्नी एगाथा बोलती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, मारो। वो उसके हाथ में चाकू दे देती है, लेकिन वो वहां से भाग जाता है। और जब वो उस होटल से बाहर निकलता है तो सामने वही कुत्ता होता है जिसके गले में नेड लिखा होता है। सामने से एक बस भी आ रही होती है और अब वाल्टर ये तय करता है कि वो बस से टकरा जाएगा। इस बस में नंबर लिखा होता है 23 और इससे पहले कि वो बस उसे कुचल कर आगे निकल जाती, उसका बेटा उसे आवाज लगाता है डैड और वो बस के सामने से हट जाता है। वाल्टर ने अपने जीवन में जो भी किया है वो उसका पश्चाताप करना चाहता है। सबसे पहले वो लॉरा टॉलिंस का जो कंकाल होता है उसे पूरे रीति रिवाजों के साथ दफनाता है और इसके बाद वो पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लेता है। और इस तरह से काइल फ्लिन, जो बेगुनाह होने के बाद भी कई सालों से सजा भुगत रहा है, वो आजाद हो जाता है। और एक हफ्ते बाद जज वाल्टर स्पैरो के गुनाहों की उसे सजा सुनाएगा। जेल में उसके परिवार उससे मिलने के लिए जाता है। वाल्टर स्पैरो ने अपने गुनाहों को कबूल किया है तो बेशक जज उसके साथ नरमी से पेश आएगा। वाल्टर सोचता है कि कुछ ही वक्त बाद मैं बाहर आ जाऊंगा और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करूंगा। वक्त सिर्फ एक नंबर है जो हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और तभी वो घड़ी की तरफ देखता है और घड़ी में बज रहे होते हैं 2:15 यानी कि 23। ये फिल्म एक पूरी तरह से सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, पर इस फिल्म में कुछ कैरेक्टर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होते, जैसे वो डॉग जिसके गले में नेड लिखा होता है। हालांकि फादर बोलता है कि वो गार्डियन ऑफ द डेड है, यानी कि मुर्दों का मुहाफिज है, लेकिन कैसे वो बार बार वाल्टर स्पैरो के सामने आता है, क्योंकि ये कोई सुपर नेचुरल पावर वाली फिल्म नहीं है। तो इस पॉइंट को डायरेक्टर को, राइटर को जस्टिफाई करना चाहिए था। दूसरा, वो डॉक्टर जो वाल्टर को देख कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेता है, उसे भी इस हद तक 23 नंबर के लिए पागल होता हुआ दिखाया है, जबकि वो ऑलरेडी उस हॉस्पिटल में काम करता है जहां पर दिमागी रूप से बीमार लोग आते हैं। तो इस पॉइंट को भी ना डायरेक्टर ना राइटर जस्टिफाई कर पाए। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 6.4। इस फिल्म का बजट था $30 million और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $77 million की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।